आज का टॉपिक है शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। यंग्स डबल सीट एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनती है, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, जो स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनती है उनकी शेप क्या होती है, वो हमें आज इसके लिए एक एक्सप्रेशन बताना है। उस वो एक्सप्रेशन हमें पता है कि मैथ्स के अंदर अलग अलग शेप के लिए अलग अलग इक्वेशन होती है, वैसे ही हम इस अरेंजमेंट से हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे किसके लिए, शेप ऑफ फ्रिंजेस के लिए। वो शेप ऑफ फ्रिंजेस अगर हाइपरबोला को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब शेप ऑफ फ्रिंज हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, एलिप्स है, तो वो जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी हम वही उसे शेप बताएंगे। तो शेप कैसे बताएंगे, हम यहाँ पर एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये दो स्लिट हैं और ये स्क्रीन है। स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हम x लेते हैं, ठीक है, और स्क्रीन पर एक पॉइंट P है और ये दो स्लिट से वेव्स सुपरइम्पोज होकर P पॉइंट पर इंटरफेरेंस फ्रिंज बनाती है। S1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस होती है d, तो ये आधी डिस्टेंस हो जाएगी d बाई टू, ये आधी डिस्टेंस हो जाएगी d बाई टू। ये ओरिजिन अगर हम लेंगे तो ये प्लस वाई में है, इसलिए x में कितना आगे है ये पॉइंट जीरो, और y में कितना आगे है d बाई टू, और ये पॉइंट x में कितना आगे है जीरो, और y में कितना नीचे है माइनस d बाई टू, इसलिए माइनस d बाई टू यहाँ पर आया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए x और y। तो हमें पता है पाथ डिफरेंस डेल इक्वल टू क्या होता है, एस टू पी माइनस एस वन पी, एस टू पी माइनस एस वन पी। तो एस टू पी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए x माइनस जीरो स्क्वायर, दो पॉइंट्स के बीच की जो स्ट्रेट लाइन की आपको पता है इक्वेशन कैसे बनती है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहां पर एस टू पी की वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस डी बाई टू, क्या हो जाएगा y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और क्या ले लेंगे इसका रूट, रूट में होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब माइनस में कितना है s1p, तो s1p की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस जीरो स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y माइनस d बाय टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है पाथ डिफरेंस। अब ये टर्म हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो आ जाएगा डेल प्लस x स्क्वायर प्लस y माइनस d बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना आया, x स्क्वायर प्लस y प्लस d बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म इधर आ गई है इक्वल की, ये टर्म इधर आ गई है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब स्क्वायर हम करेंगे इसका तो इसका रूट हट जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए कितना है डेल और बी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू में इसका स्क्वायर ओपन करिए एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, ओके। यहां से क्या देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करिए वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू वाई
डी बाई टू कितना हो जाएगा माइनस का वाई डी। तो हमने इसका स्क्वायर ओपन किया प्लस टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई टू स्क्वायर। ओके, और इक्वल में हमारे पास क्या पड़ा है इसका स्क्वायर ओपन करिए वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर प्लस वाई डी। देखिए यहां पर क्या हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाय फोर से डी स्क्वायर बाय फोर कैंसिल। तो हमारे पास आ गया है डेल स्क्वायर माइनस वाई डी प्लस टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए डेल माइनस वाई डी प्लस टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया है वाई डी। अब क्या करते हैं, देखिए ये टर्म इधर ले आते हैं डेल स्क्वायर माइनस टू वाई डी और ये टर्म इधर ले जाते हैं माइनस टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर का रूट। ये बात आपको समझ में आई। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं फिर से स्क्वायर करते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ए इसका स्क्वायर करेंगे तो ए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करो प्लस बी स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये बात आपको समझ में आई, टू इंटू टू वाई डी हो गया फोर वाई डी इंटू डेल स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहां पर स्क्वायर ओपन करिए स्क्वायर कीजिए तो फोर माइनस का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फोर डेल स्क्वायर और यहां पर स्क्वायर ये रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। फोर प्लस फोर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर वाई डी डेल स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर लो फोर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर डेल स्क्वायर वाई माइनस बी वाई टू का होल स्क्वायर। फिर से देखिए फोर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर डेल स्क्वायर वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व कर लीजिए डेल फोर प्लस फोर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर वाई डी डेल स्क्वायर इक्वल टू फोर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर डेल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करना होगा, क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई डी। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं डेल फोर प्लस फोर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर वाई डी डेल स्क्वायर इक्वल टू फोर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अंदर फोर डेल स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर फोर डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए फोर की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा डेल स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर डेल फोर वाई डी डेल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए फोर वाई स्क्वायर, तो देखिए वाई स्क्वायर वाले टर्म कहां है और ये टर्म है वाई स्क्वायर वाली, ये वाई स्क्वायर वाले टर्म, तो इसको मैं इधर ले आता हूं वाई फोर वाई स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो कितना जाएगा डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर। उसके बाद हम टर्म लेते हैं एक्स स्क्वायर वाली,
ये एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म हो गई, ठीक है, ये यहां पर रखते हैं और माइनस फोर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके ये इधर आ जाएगी। अब जो बाकी टर्म है वो हम इधर लिखते हैं, देखिए माइनस फोर वाई डी डेल स्क्वायर, माइनस फोर वाई डी डेल स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इधर वाली टर्म और कौन सी आएगी, इधर डेल फोर, ये देखिए डेल स्क्वायर में इधर से क्या ले रहा हूं कॉमन, इसमें से और इसमें से, तो डेल स्क्वायर कितना जाएगा डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर। फिर से समझिए मैंने कैसे किया ये वाला, देखिए 4y स्क्वायर की दो टर्म थी, ये 4y स्क्वायर की और ये 4y स्क्वायर इसमें है, मैंने 4y स्क्वायर कॉमन लिया, d स्क्वायर ये टर्म इधर आएगी तो माइनस डेल स्क्वायर, इसके पास मैंने लिखी x का y टर्म इक्वल के इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस, ये टर्म दोनों कैंसिल हो गई। अब डेल स्क्वायर देखिए मैं ऐसा इसलिए किया है ताकि ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक तरफ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहे एक तरफ कॉन्स्टेंट रहे, और इस डेल फोर को मैं इधर ले आया और डेल स्क्वायर मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया कॉमन ले लिया, तो डेल स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा डी स्क्वायर और इसमें से कितना बचा डेल स्क्वायर, तो ये चीज आपको समझ में आई। उसके बाद क्या करेंगे, 4y स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पूरी टर्म हम डिवाइड कर देंगे, तो डेल स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर और ये बच जाएगा डेल स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा वन। अब देखिए डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर से डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर नेक्स्ट टर्म लिखते हैं 4y स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर, माइनस डेल स्क्वायर से डेल स्क्वायर कैंसिल, 4x स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाय 4 माइनस x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन किसके किस इक्वेशन के सिमिलर है, तो ये इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन के सिमिलर है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इट मींस दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इट मींस साइज या शेप ऑफ फ्रिंजेस इज ऑफ हाइपरबोला इस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन क्या होता है, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट जो पार्ट डिफरेंस हम लेते हैं ना इंटरफेरेंस वाले एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस वो बहुत छोटा होता है, वो वेवलेंथ की ऑर्डर का होता है, वेवलेंथ की ऑर्डर का मतलब 10^-7 हो गया तो बहुत कम हो गया, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो गया। और जो हम ये डायमेंशन लेते हैं डी, जो डी लेते हैं दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस, वो उसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 या कुछ भी इक्वेशन मान लेते हैं, इन एक्सपेरिमेंट डेल इज वेरी स्मॉल, पार्ट डिफरेंस को हम बहुत छोटा लेते हैं, कितना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इन ऑर्डर ऑफ क्या लिखेंगे पाथ डिफरेंस डेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इसलिए डेल स्क्वायर अगर माइनस डी स्क्वायर हो रहा है तो हम इस डेल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, यहां हम लिख देंगे माइनस डी स्क्वायर, अगर डेल स्क्वायर डी स्क्वायर आता है तो हम डेल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब यह है कि डी इज वेरी ग्रेटर देन वेरी 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 ग्रेटर देन डेल, इसका मतलब यह है।
Okay, so from equation 1, from equation 1, देखिए equation 1 में क्या करेंगे, 4y square d square, delta square को मैंने neglect कर दिया, del square x square, यहां पर नहीं कर सकता हूं, ये multiply में है, equal to del square d square, okay. तो यहां पर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो दोनों तरफ 4y स्क्वायर d स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर d माइनस 4 डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1. ये देखिए d स्क्वायर है तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आ गया 4y स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर से डेल स्क्वायर कैंसिल 4x स्क्वायर बाय d स्क्वायर इक्वल टू 1. इसको हम आगे यहां सॉल्व करते हैं, इसको यहां 4y स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर. अब क्या करेंगे, डेल स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा डेल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डेल स्क्वायर डी स्क्वायर. फिर से इस डेल स्क्वायर वाली टर्म्स को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट, फिर से इस डेल स्क्वायर वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर डेल स्क्वायर डी स्क्वायर. 4 से 4 कैंसिल, दोनों तरफ हम क्या लेंगे रूट, तो y इक्वल टू प्लस माइनस x डेल d, y इक्वल्स टू m, डेल बाय d क्या है कॉन्स्टेंट mx, तो y इक्वल टू mx. इस केस में जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन. देखो y इक्वल टू x है, ये डेल बाय d कॉन्स्टेंट तो mx. किस केस में स्ट्रेट लाइन की शेप बनेगी, जब जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ से, यही केस होता है, इसलिए हम जो पैटर्न देखते हैं हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं.